उत्तर प्रदेश में किसानों को पारंपरिक खेती और मोटे अनाज की खेती के लिए कृषि विभाग के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ के रहमान खेड़ा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषक प्रशिक्षण छात्रावास का उद्घाटन किया है। इसमें महिला किसानों को भी प्रशिक्षण मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश हुई है, जिसके चलते बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेट्स किट का वितरण किया जाएगा। इतना ही नहीं, कृषि विभाग के द्वारा गाँव में परंपरागत खेती के लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। प्रशिक्षण का विशिष्टता केंद्र के रूप में हम इसको एक्सीलेंस सेंटर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। लगभग 20 करोड़ रुपए की धनराशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा यहाँ पर स्वीकृत की गई थी, जिसके भीतर एक महिलाओं का छात्रावास, दूसरा अधिकारियों का छात्रावास और तीसरा किसानों का छात्रावास। इस तरीके से पिछले 4-5 वर्षों में 3 छात्रावास हम लोगों ने यहाँ पर बनाए और जिससे यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कि 140 कमरे करीब बन गए हैं और इसके माध्यम से यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है।